लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए ग्रामीण विकास एवं सामाजिक प्रवेश के एक नए एपिसोड के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इससे पहले दो एपिसोड हम लोगों ने पढ़े हैं और आज तीसरा एपिसोड है। आज हम लोग कृषि, वनस्पति और पशुपालन पर एक बात करने वाले हैं, एक सामान्यवाद जितनी लेखपाल परीक्षा के लिए आपकी जरूरी है, और इसी एपिसोड में आपका पूरा कृषि और पशुपालन कवर हो जाएगा और जो 3 से 4 प्रश्न आपके हिस्से से बनते हैं हम उसको पूरा कर लेंगे। बात कृषि से प्रारंभ करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है, आज भी है और कल भी रहेगी। हम एक कृषि प्रधान देश है, हम एक कृषि समाज है। पृथ्वी पर रहने वाले समस्त जीव जंतुओं का जीवन परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कृषि और वनस्पतियों पर ही निर्भर है। हम एक सामान्य वर्गीकरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा ग्रामीण विकास एवं सामाजिक प्रवेश का जो कृषक समाज है, जो हमारा समाज है, वो प्रमुख रूप से कृषक समाज है। और कृषक समाज में मैंने आपको बताया था इस समाज की विशेषता ये होती है, ग्रामीण समाज की विशेषता ये होती है कि यहाँ पर बहुसंख्यक जो जनसंख्या है वह प्राथमिक क्षेत्र या प्राथमिक कार्यों में लीन होती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि प्राथमिक कार्य क्या क्या है, जैसे कृषि, पशुपालन, कीट पालन, या हम आसान शब्दों में कहें कृषि से संबद्ध जितने भी आसपास के कार्य हैं वो सभी प्राथमिक कार्यों में आते हैं। उनमें सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कृषि पर। इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले मैं संस्थान की तरफ से आपको कुछ जरूरी जानकारी दे दूं। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए प्रवेश प्रक्रिया खुली हुई है। हम 5 तारीख से बैच को प्रारंभ करने चल रहे हैं। जिन लोगों ने प्रवेश ले लिया है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, उन्हें उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। और जो लोग भी अभी नहीं लिए हैं वह इस प्रक्रिया से प्रवेश ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको एंट्री लेखपाल लिखकर भेजना है। जैसे ही आप एंट्री लेखपाल लिखकर भेजेंगे हमारी टीम तुरंत आपको उससे संपर्क करेगी, या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर आप देख रहे हैं, किसी शंका के समाधान के लिए कोई परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप उन नंबर्स पर फोन करके भी अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। इन महत्वपूर्ण कक्षाओं के क्रम में आज से हम लोग शुरुआत करने चल रहे हैं कृषि की। देखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी करने से पहले हमें उस परीक्षा के नेचर को अच्छे से समझ लेना चाहिए। आप लेखपाल परीक्षा के लिए कृषि, वनस्पति, पशुपालन को पढ़ने चल रहे हैं तो यहां पर आपको बहुत बृहद तैयारी नहीं करनी। यदि हम कृषि के बारे में देखें तो वैश्विक कृषि और भारत की कृषि पर 2 किताबें भी पढ़ लें तब भी ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। लेकिन आपकी परीक्षा की रिक्वायरमेंट बिल्कुल ये नहीं है। आपको बहुत तथ्यात्मक पढ़ते हुए एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना है और एक ऐसी कनेक्टिविटी में पढ़ाई करनी है कि चीजों को आप ना तो कभी भूलें और ना ही वो आपके दिमाग को निकले। महत्वपूर्ण चीजों को क्रमशः आपको अंत तक पढ़ना है। आज मैं आप लोगों को जो चीजें बताने वाला हूं उन चीजों से आपकी कृषि से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं वो प्रश्न एक कनेक्टिविटी में आपको ना केवल तैयार होंगे बल्कि वो परीक्षा में कभी भी गलत भी नहीं होंगे। और लास्ट में मैं आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस भी कराऊंगा कि इस सेशन से आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार के हैं और किस प्रकार से प्रश्नों को आपको देखना है। तो आइए आज का हम लोग शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन की। आप लोगों से अनुरोध है, जैसे मैंने डायग्राम बेस्ड में आपको पढ़ाया है, एक व्हाइट पेपर और पेन लेकर आप भी वैसे ही पेन डाउन करते चले, इन्हीं क्लासेज को आप कर लीजिए। ग्रामीण विकास के लिए ना तो आपको बाजार से कोई सामग्री खरीदने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई किताब खरीदने की जरूरत पड़ेगी और ना कोई प्रैक्टिस सेट खरीदने की जरूरत पड़ेगी, बल्कि यहां से जो 25 से 25 प्रश्न आते हैं मैं वादा करता हूं, गारंटी लेता हूं आप 25 में से 2500, चाहे वो कॉन्सेप्ट के हो चाहे वो फैक्ट के हो, आप सही करके आएंगे, एक भी प्रश्न आपका कहीं से भी गलत नहीं होगा। तो इसी विश्वास के साथ आप भी पेन कलम उठाइए, शांत माहौल में एक बार वीडियो को पूरा देखिए प्रारंभ से लेकर लास्ट तक, अच्छे से एनालाइज करिए उसके बाद 10 मिनट और ये वीडियो आपको पूरा तैयार हो जाएगा। आइए इस महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कृषि को देखते हैं। देखिए, कृषि के बारे में पहले जो जरूरी जानकारियां आपके हिसाब से हैं उनको निकाल के आप बाहर कर लीजिए। जैसे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपकी यहां पर है, यहां से शुरुआत करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का, क्योंकि अगली जनगणना तो अभी हुई नहीं तो कृषि के जो आंकड़े हैं वो भारत 2020 से लेने हैं और जनगणना पर आधारित जो आंकड़े हैं वो अभी हमें 2011 से ही लेने हैं। तो मैंने यहां पे लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का 54.6% कृषि और इससे संबंध गतिविधियों में लगा हुआ है। मतलब देश की जो कुल आबादी है उसका लगभग लगभग 54.6% कृषि और इससे संबंध गतिविधियों में लगा हुआ है, अर्थात प्राथमिक क्षेत्रों में लगा हुआ है। इस डाटा को आपको याद रखना है। दूसरी बात,
देश के सकल मूल्य संवर्धन में इस क्षेत्र का 17.4% हिस्सा है। ये बजट 2019-20 और भारत 2020 का आंकड़ा है कि देश के सकल मूल्य संवर्धन में अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्षेत्र का कितना हिस्सा है तो 17.4% हिस्सा है। भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति, राष्ट्रीय कृषक नीति को मंजूरी दी गई थी विकास के लिए कि हम कृषि का विकास बहुआयामी कैसे कर सकते हैं, कैसे और बेहतर व्यवस्थाएं कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय कृषक नीति जो दी गई थी भारत सरकार केंद्र सरकार द्वारा, वो कब दी गई थी? 2007 में दी गई थी। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि भारतीय संविधान में किस सूची का विषय है, हमेशा प्रश्न आता है, तो भारतीय संविधान में कृषि राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। सातवीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि कृषि एक राज्य सूची का विषय है। हालांकि राष्ट्रीय कृषक आयोग, जिसकी स्थापना 2004 में की गई थी और जो समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 11वीं, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय जिस राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना 2004 में की गई थी, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना कब की गई थी। अब इसको हम पूरा कनेक्ट करते हैं कि यह सातवीं अनुसूची में कृषि को राज्य का विषय बताया गया है, लेकिन राष्ट्रीय कृषक आयोग द्वारा इसे संवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। हालांकि अभी भी यह राज्य सूची का ही विषय है और सातवीं अनुसूची में इसको स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे कृषि से संबंधित, जो पहले पेज पर आपको इनको याद रखना है, पेन डाउन करना है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगर इतना बड़ा ग्रामीण विकास और कृषक समाज अगर इससे जुड़ा हुआ है तो इसके लिए प्रमुख निर्णयन, इसके सतत विकास के लिए जो लक्ष्य लिए जा रहे हैं या जो मार्गदर्शन दिया जा रहा है या जो प्रबंधन दिया जा रहा है, उनको कौन रेगुलेट करता है, उससे संबंधित संस्था या निकाय कौन से है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि भले ही ये राज्य सूची का विषय हो, लेकिन केंद्र सरकार लगातार इस पर कार्य करती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि संघात्मक ढांचे की विशेषता ही ये होती है कि उद्देश्य का निर्माण केंद्र करता है और उसका क्रियान्वयन कौन करता है? राज्य करता है। मैं जब आपको योजनाएं पढ़ाऊंगा तो मैं उन योजनाओं में बिल्कुल अलग आपको कृषि से संबंधित योजनाएं अलग पढ़ाऊंगा, बजट की योजनाएं अलग पढ़ाऊंगा, ग्रामीण विकास की योजनाएं अलग पढ़ाऊंगा, महिला विकास की योजनाएं अलग पढ़ाऊंगा। अभी मैं चूंकि कृषि पर बात कर रहा हूं, आपका एक दिमाग में कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो सके, इसीलिए मैंने कुछ योजनाओं को यहां पर लिखा है ताकि एक कनेक्टिविटी आपकी बन सके। तो राज्य सूची का विषय केंद्र सरकार लगातार कार्य कर रही है और अभी आपने देखा है हाल ही में कुछ योजनाएं, जैसे आपने देखी है, पहली योजना आप देख रहे हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, बहुत प्रचलित योजना है, क्यों? मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए। दूसरी योजना आप लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, जल का बेहतर प्रबंधन हो सके, सिंचाई की तकनीकों को बढ़ाया जा सके। परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके बारे में आप जान रहे हैं, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। राष्ट्रीय कृषि बाजार, किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार, अभी आपने देखा किसान पथ की भी शुरुआत की गई और बहुत पहले से किसान क्रेडिट कार्ड चल रहा है। तो केंद्र सरकार लगातार इस दिशा में अपने प्रयास कर रही है और राज्य सरकारें भी लगातार इस दिशा में अपने प्रयास कर रही हैं। इसके अलावा यदि हम विचार करें तो देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम कहते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, इसकी स्थापना 1929 में हुई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अब इसके प्रमुख कार्यों पर आपको नजर डालनी है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण विषय है। उन्नत कृषि, पशुपालन, कृषि क्षेत्र एवं कृषि क्षेत्र से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, उन सभी गतिविधियों के प्रबंधन मार्गदर्शन का सर्वोच्च निकाय है। इसका मतलब यह है कि कृषि से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं, उनका प्रबंधन कैसे होगा, उनका मार्गदर्शन कैसे होगा, उस क्षेत्र में कितने नए रिसर्च की जरूरत है, क्या क्या हमें निर्णय लेने हैं, भारत सरकार को हमें क्या सुझाव देने हैं और कौन कौन सी नवीन तकनीकें ऐसी हैं जिनको हमें इस कृषि क्षेत्र में शामिल करना है, इन सब के लिए ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, 1929 में इसकी स्थापना की गई थी, है ना। केवल यह एकमात्र ऐसी संस्था नहीं है जो संस्था के रूप में कार्य कर रही है, बल्कि अगर हम लोग देखें तो इसका विस्तार बहुत है। पूरे भारत में इसके 101 ICAR रिसर्च संस्थान हैं, 101 संस्थान इस संस्था के कार्य कर रहे हैं, जो केवल कृषि को बढ़ावा देने की तकनीकों पर कार्य कर रहे हैं, कैसे हम अपनी कृषि व्यवस्था को और समृद्धशाली और विकसित कर सके, ताकि आधी से अधिक जनसंख्या बहुत बेहतर कर सके इस क्षेत्र में, उस पर कार्य कर रहे हैं। और पूरे भारत में इससे संबंध
71 कृषि विश्वविद्यालय हैं। यह भी भारत 2020 के डाटा आज है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। तो यह एक प्रमुख अनुसंधान परिषद है जो कृषि से संबंधित है। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो आपसे पूछा जाता है केंद्रीय बागवानी संस्थान कहां पर स्थित है, तो केंद्रीय बागवानी संस्थान जो है वो मैजीफेमा में स्थित है जो नागालैंड में है। कहां पर है? मैजीफेमा नागालैंड में अवस्थित है। तो आपको इन दोनों संस्थाओं के बारे में याद रखना है, उन फैक्ट्स के अलावा ये दोनों ही संस्थाएं आपके लिए जरूरी है और इनका स्ट्रक्चर और कार्य भी आपको दिमाग में रखना है, ये भी आपके लिए जरूरी है। अगर हम इससे आगे बढ़े तो दो फैक्ट आपको यहां पर और देखने हैं जो जरूरी है आपके लिए। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1947 में कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, है ना, क्योंकि लेखपाल का अधीनस्थ का पेपर है तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको छोड़ना नहीं है, आपसे पूछा जा सकता है। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1947 में कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री जो थे वो पंजाब राव देशमुख जी थे। कृषि पर इतनी बुनियादी बात करने के बाद और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण आपकी जानकारियां हैं उनको तथ्यात्मक रूप में पढ़ने के बाद अब हम फसल चक्र पर आते हैं और फसलों के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं जितनी आपके लिए आवश्यक है। सबसे पहले बात शुरू करेंगे फसलों के वर्गीकरण से। कृषि के लिए आप ये समझ सकते हैं कि यह एक मास्टर वीडियो है। अगर पूरा इस वीडियो को हम लोगों ने अच्छे से देखा तो कृषि से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका यहां पर गलत नहीं होगा। फसलों के वर्गीकरण पर अगर हम लोग देखें तो हम बहुत कम पढ़ेंगे इसमें, जितना हमारे लिए जरूरी है और इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए। चार प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, ऋतुओं के आधार पर फसलें, पौधों के जीवन चक्र के आधार पर फसलें, भूमि के आधार पर फसलें। तो पिछली बार जो लेखपाल में आपके कृषि से प्रश्न थे वो एक प्रश्न यहां से था और एक प्रश्न यहां से था, और चौथा आपका है आर्थिक आधार पर फसलें। इन चार आधारों पर हमें देखने हैं बहुत आसानी से। तो ऋतुओं के आधार पर सबसे पहले बात प्रारंभ करते हैं। ऋतुओं के आधार पर अगर हम लोग फसलों को देखें तो तीन प्रकार की फसलें आपकी होती हैं। सबसे पहले क्या होता है? जायद। जैसे जायद की फसलें कौन सी हैं? जैसे खीरा हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी। क्या विशेषता है इसकी? इस तरह की फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं। यह फसलें अत्यधिक गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने योग्य होती हैं। आपसे पूछा जाता है टाइम, है ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि जायद की फसल कब बोई जाती है, तो मार्च अप्रैल में जायद की फसलों को बोया जाता है। इन फसलों की विशेषता क्या होती है? यह अत्यधिक गर्मी और शुष्क हवाएं सहन करने के योग्य होती है। अगर हम खरीफ की फसल की बात करें तो जुलाई और अक्टूबर इन फसलों की बुआई का समय है ना, इन फसलों की बुआई का समय क्या होता है? जुलाई और अक्टूबर होता है। इन फसलों की बुआई के समय ज्यादा तापमान और आर्द्रता तथा पकने के समय शुष्क वातावरण की जरूरत होती है। इसका मतलब है जब हम बुआई करते हैं तो ज्यादा तापमान और आर्द्रता की जरूरत होती है, और जब पकने का समय होता है तो शुष्क वातावरण की यहां पर जरूरत होती है। जैसे चावल हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, तिल हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया और गन्ना हो गया, ये सभी फसलें प्रतिनिधित्व करती हैं इस वर्ग का जिसको हम कहते हैं खरीफ की फसल। ये रवि है, मेरे नाम की फसल है, मेरा नाम रवि है और ये रवि की फसल है, वाह है इसमें। अब देखिए इसका अगर हम लोग समय देखें तो यह फसल जो हमारी है यह अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। बुआई के समय कम तापमान, बुआई के समय इस फसल को कम तापमान चाहिए होता है, लेकिन कटाई का जब समय होता है तो कटाई के समय यह फसल पक के थोड़ा सा सूख जाए, कटने योग्य हो जाए, इसलिए ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी फसल है जिसकी बुआई के समय कम तापमान और कटाई के समय ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, तो आप कहेंगे रवि की फसल। या आपसे पूछा जाए कि रवि की फसल के लिए उपयुक्त इस महीने का जो क्रम है, जो संबद्ध महीने हैं वो कौन से हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा बताइए? अक्टूबर से लेके अप्रैल तक। इस प्रकार के प्रश्न पिछली बार आपके बने थे और इस प्रकार भी आपके बनेंगे। तो ऋतुओं के आधार पर अगर हम लोग देखें तो तीन स्पष्ट वर्गीकरण है, इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है। क्या बताइए? जायद, खरीफ और रवि। इसके बाद अगर हम लोग देखें यहां पर जीवन चक्र के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं तो तीन प्रकार की फसलें हम लोगों की यहां पर आती हैं। पहली जो फसल है उसको हम कहते हैं एकवर्षीय, दूसरी जो फसल है उसको हम कहते हैं द्विवर्षीय, और तीसरी जो फसल है उसको हम कहते हैं बहुवर्षीय। कैसे हम इसको वर्गीकरण करेंगे, अलग करेंगे?
एक वर्षीय जो फसल है यह अपना जीवन चक्र एक वर्ष के अंदर ही पूर्ण कर लेती है। जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, सोयाबीन हो गया, सूरजमुखी हो गया, मतलब अधिकतम वह अनाज जिनको हम ग्रहण करते हैं खाद्यान्न के रूप में, जिनको हम लेते हैं खाते हैं, है ना। एक वर्षीय फसल पूरा जीवन चक्र एक वर्ष के अंदर अपना क्या कर लेगी, पूरा कर लेगी। अब द्विवर्षीय फसल, यह पहले वर्ष में तो वृद्धि करती है और दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन करती है, है ना। मतलब पहले वर्ष में वृद्धि करती है, दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन करती है। जैसे चुकंदर की फसल आपकी यहां पर हम रख सकते हैं। बहुवर्षीय फसल, इस वर्ग के पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं, बहुत सारे वर्षों तक जीवित रहते हैं। जैसे लूरसन हो गया, नेपियर हो गया और ग्रास हो गया, ये इस वर्ग के पौधों में आती है जो बहुवर्षीय प्रकार के पौधे हैं। क्या है इसकी विशेषता, अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं। एक बार हम लोगों ने काम कर लिया, अनेक वर्षों तक इसके पौधे जीवित रहते हैं। बहुत ज्यादा यहां पर भी नहीं पड़ना है, केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पौधे के जीवन चक्र के आधार पर फसलों के मुख्य प्रकार कितने होते हैं, तो हमें याद होना चाहिए कितने होते हैं, तीन होते हैं। अगर विशेषता पूछ ली जाए तो भी हमें क्लियर है, एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। आगे अगर हम लोग यहां पर देखें भूमि के आधार पर फसलें तीन प्रकार की हैं, हल्की भूमि की फसलें, भारी भूमि की फसलें और मध्यम भूमि की फसलें। हल्की भूमि की फसलें जैसे बाजरा, मूंग, ककड़ी, खरबूजा, मूंगफली। भारी भूमि की फसलें जैसे कपास और धान। मध्यम भूमि की फसलें, ज्यादातर सब्जियां जो है वो इसी वर्ग में आती हैं, मध्यम भूमि की फसल में आती हैं। आपसे जब वीडियो का पेपर हुआ था ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का, तो आपसे पूछा गया था कि बताइए जो सब्जियां होती हैं वह किस प्रकार की भूमि की फसलें हैं, हल्की, भारी, मध्यम या इनमें से कोई नहीं। तो वहां पर आपका उत्तर क्या होना चाहिए था, यह मध्यम भूमि की फसल है। तो जितनी भी सब्जियां होती हैं वो मध्यम भूमि की फसल है, इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। अधीनस्थ ने ही वो वाला भी पेपर लिया था तो जो ग्राम विकास अधिकारी का था, और अधीनस्थ ही ये वाला भी पेपर ले रहा है, इसलिए इन आसान वर्गीकरण को मैंने एक साथ इकट्ठा किया है कि 24-25 किताबें आपको ना देखनी पड़े, ना आपको बाजार जाना पड़े, बाकी एक ही जगह आप अपना सारा मैटर पेन डाउन कर लें ताकि चीजें क्लियर हो जाए। तो ग्रामीण विकास वहां पर भी वीडियो में भी पूछा जाता था तो ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे, और यहां पर भी पूछा जाता है तो ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको इसको मानकर चलना है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर हम लोग देखें, है ना। तो देखिए अनाज की जो फसलें हैं इसमें कौन कौन आता है, गेहूं, जौ, धान। मोटे अनाज में कौन कौन आता है, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, काकून, है ना। दलहनी फसलें कौन सी होती हैं, यहां तक तो आप जानते हैं, चना, मूंग, मटर, मसूर, सोयाबीन, अरहर, मतलब दाल के रूप में जिन फसलों का हम यूज करते हैं, दो परतों में विभाजित हो जाती हैं, तीन परतों में विभाजित हो जाती है, उन फसलों को हम क्या कहते हैं, दलहनी फसलें। अब यहां से ये तीनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे लिखा है चारे की फसलें, वर्सीम, ज्वार, लोबिया, लूरसन, नेपियर, घास, है ना। रेशे वाली फसलें कपास, जूट, सनई। चीनी देने वाली फसलें हैं चुकंदर और गन्ना, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई प्रश्न पत्रों में आपसे पूछा जा चुका है कि चीनी देने वाली फसलें कौन सी हैं, तो चीनी देने वाली जो फसलें वो क्या है, चुकंदर और गन्ना, इसको भी आपको यहां पे याद रखना है। यहां पर अगर हम लोग देखें तो घास परिवार, गेहूं, जौ, धान, मक्का, ये घास परिवार में आता है। मटर परिवार, मटर, चना, मूंग, उड़द, मसूर, सोयाबीन, अरहर। देखिए ये वनस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किया गया है, किसके आधार पर, वनस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर, जिस पर आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि वनस्पति के आधार पर अगर घास परिवार की फसलें हैं तो वो गेहूं है, जौ है, धान है और मक्का है। मटर परिवार की जो फसलें हैं वो मटर है, चना है, मूंग है, उड़द है, मसूर, सोयाबीन, अरहर। इसका मतलब जितनी भी दलहनी फसलें जो आपकी होती हैं वो हम कॉम्बिनेशन एक बना लें अपने दिमाग में कि वो मटर परिवार की फसलों में आती हैं, है ना।
कपास परिवार की जो फसलें होती हैं, कपास, पटसन, गुड़हल, भिंडी। देखिए, घास परिवार का मतलब होता है कि जो घास के रूप में बड़ी होती हैं और ऊपर फल जिनमें होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, ये घास के रूप में ऊपर होते हैं, बांस है ना, ये घास के रूप में ऊपर है और ऊपर की तरफ फल देते हैं, ऊपर की तरफ पकते हैं। तो घास परिवार में वो फसलें आएंगी जो ऊपर की तरफ फल देते हैं, और जितनी भी दलहनी फसलें हैं वो आपकी मटर परिवार की सदस्य होती है। क्लियर? कपास परिवार को आप सीधे नाम से ही जान रहे हैं, कपास है, पटसन है, गुड़हल है, भिंडी है। अब यहां पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये तो आपसे पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, ये क्लियर नहीं है, लेकिन लिलियेसी परिवार में प्याज और लहसुन आता है, ये भी आपका पिछले वाले लेखपाल में भी पूछा गया है, और अधीनस्थ ने जो लोअर का पेपर लिया था उसमें भी आपसे पूछा गया है कि लिलियेसी परिवार में प्याज और लहसुन की फसल होती है। तो प्याज और लहसुन की फसल वनस्पति के आधार पर किस परिवार की फसल है, तो आपका उत्तर क्या होगा, लिलियेसी परिवार की फसल है। चीना पोडेसी परिवार की फसल है चुकंदर और बथुआ, है ना, चीना पोडेसी परिवार की फसल है चुकंदर और बथुआ, और कंपोजिटी परिवार की फसल है सूरजमुखी, गेंदा और बायसुरी, है ना, सूरजमुखी, गेंदा, पायसुरी जो है वो किसकी फसल है, कंपोजिटी परिवार की। दो परिवार जरूर याद रखना है, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, लिख लीजिए इन दोनों परिवारों की फसलें जरूर याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। क्लियर? चुकंदर बथुआ चीना पोडेसी परिवार की फसल है, और लिलियेसी परिवार की जो फसल है वो प्याज और लहसुन है। आगे देखते हैं, मृदा के आधार पर केवल दो प्रकार की फसलें होती है। देखिए, मृदा पीएच के आधार पर, है ना, मृदा पीएच के आधार पर ऊसर फसलें जिनमें होता है धान, जौ, वर्सीम और मटर, और अम्लीय फसलें जिसमें होता है बकडीट, राई और आलू। अब यहां पे एक चीज समझ लीजिएगा, जैसे आपसे पूछा जाए कि आलू किस प्रकार की फसल है, तो आलू अम्लीय फसल है। किस प्रकार की फसल है, अम्लीय फसल है। राई किस प्रकार की फसल है, अम्लीय फसल है। जैसे मृदा के आधार पर राई किस प्रकार की फसल है, अम्लीय फसल है। धान, जौ, वर्सी, मटर जो दलहनी फसलें हैं, जैसे आपकी धान है, जौ है, ये कैसी हैं, ऊसर फसलें, है ना। यदि हम मृदा के कटाव के आधार पर देखें तो दो प्रकार की फसलें हैं, मृदा कटाव को रोकने वाली फसलें और मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलें। तो मूंग, मूंगफली, लोकिया और फलिया, फलिया फल के रूप में, फलिया पतली फलिया के रूप में जो फसलें होती हैं वो मृदा कटाव रोकने वाली फसलें हैं, और मृदा कटाव को बढ़ाने वाली जो फसलें हैं वो मक्का और अंडी है। मक्का और अंडी ऐसी फसलें हैं जो मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलें हैं। तो अगर हम इन फसलों के वर्गीकरण को देखें, यहां से जहां से हम लोगों ने शुरू किया था, तो देखिए बहुत आसानी से आपको इसको समझना है। सबसे पहले ऋतुओं के आधार पर जायद, खरीफ और रबी, पहला वर्गीकरण है ना। दूसरा वर्गीकरण है पौधों के जीवन चक्र के आधार पर, आसानी से समझ लीजिए, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, है ना। तीसरा वर्गीकरण है भूमि के आधार पर, तीन प्रकार की, हल्की भूमि, भारी भूमि और मध्यम भूमि। इसमें भी आप देख लीजिएगा, सभी सब्जियां मध्यम भूमि की फसलों में आती हैं, तीसरा वर्गीकरण। चौथा जो वर्गीकरण है आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर, ये हम लोग जानते हैं। पांचवा जो वर्गीकरण है वनस्पति वर्गीकरण के आधार पर, जिसमें लिलियेसी और चीना पोडेसी आपको याद रखना है। और छठवां जो वर्गीकरण है वो मृदा के आधार पर। तो ये दो प्रकार से वर्गीकृत होता है, एक तो मृदा पीएच के आधार पर और एक मृदा कटाव के आधार पर। तो मृदा पीएच के आधार पर राई और आलू जो है वो अम्लीय फसल है, मृदा कटाव के आधार पर दो प्रकार की फसलें होती है, मृदा कटाव को रोकने वाली और मृदा कटाव को बढ़ाने वाली। आगे बढ़ते हैं, देखिए खेती की प्रणालियां, अब कुछ खेतियां हैं जिनकी कुछ प्रणालियां हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, कथन के रूप में आपसे पूछ ली जाती है, और उनकी क्या विशेषता है इनको हमको यहां पर देखना है ना। फसलों के बारे में हम लोगों ने बात की, लेकिन एक और वीडियो हम लोग अलग से बनाएंगे जिसमें हम पूरी फसलों के बारे में बताएंगे कि कौन सा अनाज भारत में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, विश्व में सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, और उत्तर प्रदेश में कौन से अनाज या फल सबसे ज्यादा होते हैं। ये एक अलग वीडियो में हम लोग इसको क्लियर करेंगे। अभी हम लोग इसको पूरा समझ लेते हैं कि देखिए नम खेती है ना, ह्यूमिड, जहां अधिक वर्षा होती है ना। नम खेती कहां पे होती है, जहां अधिक वर्षा होती है, जैसे चावल हो गया,
जूट हो गया और गन्ना हो गया, है ना। तो विशेषता कहां पे है, नम खेती कहां पे होगी, जहां पे वर्षा अधिक होती है। शुष्क खेती, शुष्क खेती कहां पर होगी, जहां पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव हो, जैसे दक्षिण भारत हो गया और राजस्थान हो गया, यहां पर कौन सी खेती होती है, शुष्क खेती होती है। ड्राई एग्रीकल्चर, ड्राई फार्मिंग, एकल खेती, मोनो, जिन क्षेत्रों का वातावरण किसी फसल विशेष के लिए ही उपयुक्त हो उसे हम एकल खेती कहते हैं। अर्थात बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर आप बहुत सारी फसलें नहीं बो सकते, जैसे उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पर आप जायद की फसल भी बो लेते हैं, खरीफ की फसल भी बो लेते हैं, रबी की फसल भी बो लेते हैं, और परिस्थितियां तीनों ही फसलों के लिए अनुकूल है। लेकिन हमेशा हर क्षेत्र में ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर पूरे वर्ष जो परिस्थितियां होती है वो एक ही प्रकार की फसलों के लिए अनुकूल होती है, ऐसी फसलों को हम क्या कहते हैं, मोनो फार्मिंग या एकल खेती कहते हैं। ऐसे जिन क्षेत्रों का वातावरण किसी फसल विशेष के लिए ही उपयुक्त हो, जैसे असम और पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें, इनके ढलान देखें, तो यहां पर केवल चाय की खेती ही प्रमुखता से की जा सकती है, यहां पर रबी की फसल नहीं बोई जाती, जायद की फसल नहीं बोई जा सकती है। क्लियर। तो इसकी अपनी अलग अलग विशेषता है, इस प्रकार को हम कहते हैं मोनो फार्मिंग या एकल खेती। आगे बढ़ते हैं, झूमिंग, ये तो नाम आपने पढ़ा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको हम कहते हैं झूमिंग फार्मिंग, शिफ्टिंग फार्मिंग। जब वन प्रदेशों में जंगलों को जलाकर जमीन को खेती योग्य बनाकर खेती की जाती है, तो इस प्रकार की खेती को हम कहते हैं झूमिंग खेती, है ना। झूमिंग खेती की विशेषता क्या होती है कि जंगलों में, वन प्रदेशों में जब जंगलों को जलाते हैं, जंगलों को जलाते हैं और उसको हम खेती के योग्य बनाते हैं, तो वहां पर जो खेती की जाती है उसको कहते हैं झूमिंग खेती। जैसे असम और मेघालय के पहाड़ी क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है। भारत में एक प्रसिद्ध नाम है, कई बार एग्जाम्स में आपसे पूछा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर रोपड़ खेती, है ना, जिन पौधों को रोपकर खेती की जाती है, प्लांटेशन फार्मिंग इसको हम कहते हैं, जैसे रबर, चाय, कहवा, नारियल, इसमें बड़े बड़े पौधे लगाकर खेती की जाती है, रोपड़ खेती। और लास्ट जो हम लोगों का है, रैचिंग खेती, रैचिंग फार्मिंग। इस प्रकार की कृषि में पहले, देखिए ये सामान्य फसल नहीं है कि हम सामान्य फसल को उगाने के लिए जो खेती करते हैं वो रैचिंग खेती नहीं होती। रैचिंग खेती में फसलों को उगाया ही नहीं जाता, बल्कि चारागाह, पशुओं या मवेशियों को चरने के लिए जो घास उगाई जाती है उसकी खेती को हम लोग कहते हैं रैचिंग खेती। तो इसका तरीका क्या होता है, पहले पशुओं या मवेशियों से जो घास है उसको चरा दिया जाता है, और फिर जब वो मैदान खाली हो जाता है तो फिर से उस मैदान में जो फसल आती है, इस प्रक्रिया को हम रैंचिंग खेती कहते हैं। जैसे लिखा है, इस प्रकार की कृषि में पहले वनस्पतियों को पशुओं से चराया जाता है, प्राकृतिक वनस्पतियों को उगाया जाता है, सामान्य फसलों को इसमें नहीं उगाया जाता, चारागाह के लिए अनुकूल है। भारत के पर्वतीय और पठारी क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती होती है, जहां पर प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए तो लोग हैं, लेकिन वो केसी से खेती से ज्यादा पशुपालन पर निर्भर करते हैं, और उनको पशुओं को पालने के लिए वनस्पति को वहन करने की क्षमता उस जमीन में ज्यादा होनी चाहिए, जो चारे के रूप में वनस्पति को दे सके। तो ऐसी खेती को हम कहते हैं रेंचिंग खेती। इसके बाद हम लोगों ने खेती और फसल के बारे में इतनी जानकारी ली, अब इन खेती और फसल को बढ़ाने से संबंधित कुछ ऑपरेशन, अभियान या क्रांतियां रही हैं जो इससे जुड़ी रही हैं, जहां से एक प्रश्न आपसे निश्चित रूप से पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी हमें जानकारी लेनी है। हमें बहुत हड़बड़ाना नहीं है और चीजों को व्यवस्थित तरीके से पढ़ते चलना है। कोई भी परीक्षा बहुत कठिन नहीं होती, मानव निर्मित लक्ष्य को मानव ही प्राप्त करता है, बशर्ते हम पढ़ क्या रहे हैं, हम कहीं गलत दिशा में तो नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आप बहुत सटीक तरीके से लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो संस्थान द्वारा जो दिशा निर्देश आपको दिए जा रहे हैं आप उनको फॉलो करिए पूरी तरीके से, और आप विश्वास मानिए, इससे पहले चाहे वीडियो हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी टेट हो, जितने भी एग्जाम हुए हैं पुराने सुपर टेट हो, जितना हम लोगों ने बताया है, जो हमने नोट्स दिए हैं वहीं से आपके प्रश्न आए हैं। यहां पर भी आपको बहुत ज्यादा अलग अलग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, जितने दिशा निर्देश संस्थान द्वारा दिए जा रहे हैं आप देख लीजिए। आपका जिस दिन पेपर हो इसी कृषि के वीडियो को उठा के देख लीजिएगा, जो 3 से 4 प्रश्न आएंगे इसी कृषि के वीडियो में से आपको मिल जाएंगे, और इसी वीडियो के नीचे उस दिन कमेंट कर दीजिएगा। एक भी मैगजीन बाजार से नहीं लीजिएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं कि यहां से बाहर नहीं आएगा, एकदम मास्टर वीडियो की तरह है।
बिल्कुल आसान और कम तथ्य और जो जरूरत की जानकारी है वो पूरी आपको यहां पर दे दी गई है। जैसे यहां पर देखिए, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक फर्टिलाइजेशन से है। देखिए, आपको क्रांति के बारे में नहीं जानना है, वो पीसीएस और लोअर पीसीएस का विषय है, आपको बस ये जानना है कि कौन सी शब्दावली किससे संबंधित है, इतना आपके लिए पर्याप्त है। अब भूरी श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से है, ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति दोनों ही दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, याद दीजिएगा। सिल्वर क्रांति का संबंध कपास से है, रजत क्रांति का संबंध अंडा एवं मुर्गी पालन से है, गोल क्रांति का संबंध आलू से है, लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर के उत्पादन को बढ़ाने से है, सुनहरी क्रांति जो है वो बागवानी से संबंधित है, गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा पालन से संबंधित है, ब्लैक क्रांति जो है आपकी वो वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक बार पीसीएस में भी आपसे पूछा गया है, क्लियर। बादामी क्रांति जो है वो मसालों के उत्पादन से संबंधित है, और इंद्रधनुषीय क्रांति जो है इसको दूसरी कृषि नीति कहते हैं, दूसरी कृषि नीति 2000 से संबंधित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां थी जिनका संबंध सीधे सीधे आपसे है। इसके अलावा कुछ कृषि की ऐसी तकनीकें भी हैं जिनसे संबंधित शब्दावलियां आपसे पूछी जाती हैं कि बहुत सारी चीजों का प्रबंधन रिसर्च किन तकनीकों से किया जाता है, या उनसे संबंधित जो शब्दावलियां हैं वो प्रमुख रूप से कौन सी है। जैसे अगर हम लोग देखें आर्वरी कल्चर, तो विशेष वृक्ष झाड़ियों की कृषि एवं प्रबंधन से संबंधित जो शब्दावली है उसको हम कहते हैं आर्वरी कल्चर। फ्लोरिकल्चर, व्यापारिक फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत की जाती है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर। एपिकल्चर, शहद उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन से संबंधित शब्दावली है। मेरिकल्चर, देखिए एक होता है मेरिकल्चर, एक होता है मोरिकल्चर, कंफ्यूज मत होइएगा। मेरिकल्चर जो है वो समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है, समुद्री जीवों से जो उत्पादन होता है उससे संबंधित है। हाँ, ओलेरिकल्चर सब्जियों की कृषि से संबंधित है, जो व्यापारिक सब्जियां होती हैं। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है, एक बार लोअर पीसीएस में आपसे पूछा जा चुका है। हाँ, सेरिकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन किया जाता है, व्यापारिक फलों के अध्ययन से संबंधित है ना अध्ययन, हाँ फलों के ऊपर। एक्वाकल्चर व्यापारिक मत्स्य उत्पादन से संबंधित है एक्वाकल्चर। तो कुछ प्रमुख शब्दावलियां थी जो आपकी कृषि से संबंधित है। चूंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है कृषि पशुपालन, इसलिए हम लोग एक में समाहित नहीं कर सकते। हम लोगों ने कृषि के बारे में बात की है, अभी हम लोग इसके प्रश्नोत्तर भी हल करेंगे, लेकिन पशुपालन के लिए हमें एक और वीडियो लेना पड़ेगा इसका। तो अगले वीडियो में हम लोग कृषि का जो बचा हुआ कुछ हिस्सा है फैक्चुअल के साथ उसकी बात करेंगे, और फिर हम लोग पशुपालन की भी बात करेंगे। आज हम लोगों ने जहां से कृषि के विकास से लेकर जो प्रमुख संस्थाएं थी, वो प्रमुख निकाय थे, भारत सरकार के कार्यक्रम थे, वहां से पूरा प्रारंभ करते हुए फसल, फसलों के आधार पर खेती, फसल चक्र आपके क्या होते हैं, ऋतुओं के आधार पर कैसे होते हैं, वनस्पति वर्गीकरण के आधार पर कैसे होते हैं, कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, कौन सी शब्दावली किससे संबंधित है, और अब इससे आगे जब हम बात कर रहे हैं तो इससे आगे हम बात करेंगे कि इससे संबंधित जो सेशन के प्रश्न उत्तर है उन प्रश्न उत्तरों को आपको कैसे हल करना है, या यहां से किस प्रकार के प्रश्न उत्तर आपको मिलते हैं। तो आइए उन प्रश्नोत्तरों को देखा जाए। इन प्रश्नोत्तरों को देखने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, कल मैंने एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने बहुत बढ़िया रिस्पांस किया उस वीडियो पर, जो मैंने अपने मन की बात आप लोगों से कही थी, और आप लोगों का प्रेम इसने वहां पे हमसे मिला। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों का आदर सम्मान करता हूं, आप लोगों के सभी सुझावों को मानता हूं। अगर आपके कोई भी ऐसे सुझाव हो जो मेरे लिए हो, संस्थान की तरफ से हो, तो आप निजी तौर पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको तरीका बताता हूं इसका। फेसबुक आप सभी लोग चलाते हैं, ये मेरी फेसबुक आईडी है, आप देख रहे हैं, आप रवि पी तिवारी जैसे ही डालेंगे तो मेरी ये आईडी खुल के आएगी। मेरे नाम से कई लोगों ने दूसरी आईडियां बनाई हुई हैं, आप भ्रमित मत होइए, और मैं आप सभी लोगों से पूरे स्नेह से फेसबुक पर जुड़ना चाहता हूं, ताकि आपके सुझाव, आपका प्रेम, स्नेह मुझे मिलता रहे, या आपकी कोई भी समस्या हो, जिन समस्याओं के बारे में हम लोगों ने बात की थी, कैसी भी समस्या हो, तो आप इस फेसबुक के इनबॉक्स के माध्यम से हमसे कह सकते हैं। दूसरी बात यह है कि
मैं आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फ्रेंड रिक्वेस्ट की सीमा को मैं पार कर चुका हूं। आप सभी लोग मुझे फॉलो कर लीजिए, है ना, आप सभी लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। 11,000 18,000 से ज्यादा लोगों ने फॉलो किया है और आप मुझे फॉलो करिए और अपना प्रेम स्नेह यहां पर दीजिए। मैं वादा करता हूं एक बड़े भाई की तरह जब भी आपको जो जरूरत होगी मैं निश्चित रूप से आपके साथ खड़ा रहूंगा, है ना। तो आप सभी लोग रवि पी तिवारी फेसबुक पर सर्च करिए और मुझसे जुड़िए, मुझे वहां पर फॉलो करिए। फ्रेंड रिक्वेस्ट में स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, फॉलो आप अच्छे से कर सकते हैं। जब आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो फॉलो का ऑप्शन आता है, सभी लोग फॉलो कर लीजिए। बाकी वहां पे भी आपकी जो है बातें हैं उन समस्याओं को हल करता रहूंगा। अगर आपके और इस पाठ्यक्रम को लेकर कुछ सुझाव हैं तो वो भी आप वहां पे मुझे दे सकते हैं। आइए हम लोग आज इस प्रक्रिया को शुरू करते हैं। यहां पर प्रश्न उत्तर, आज के सेशन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है इनको यहां पर देख लिया जाए। सबसे पहला प्रश्न है यहां पर, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी। मैंने अभी आपको बताया, आप लोग उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो यहां पे लिखा है 1928, 1929, 1955, 1962, 1929 में हुई थी और मैंने आपको बताया है किसका मुख्यालय, बताइए कहां पे है। तो आपने कहा था कहां पे है बताइए, दिल्ली में है। तो इसका उत्तर क्या होगा, दिल्ली, है ना। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, कृषि एवं कृषि संबंधी कार्य भारतीय संविधान की किस अनुसूची का विषय है। केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। मैंने अभी आपको क्लियर किया कि सातवीं अनुसूची में स्पष्ट वर्णित है कि ये राज्य सूची का विषय है। हालांकि राष्ट्रीय कृषक आयोग, मैंने आपको बताया, वह इसको संवर्ती सूची में शामिल करने की जो है सिफारिश कर चुका है, लेकिन अभी भी यह राज्य सूची का विषय है। आइए अगला जो है आपका तीसरा, केंद्रीय बागवानी संस्थान किस राज्य में अवस्थित है। मैंने आपको बताया था अभी हाल नागालैंड में ये अवस्थित है, क्लियर करिए। चौथा, रबी की फसल के लिए महीनों का उपयुक्त जोड़ा कौन सा है। दिसंबर से नवंबर 11 महीने की फसल नहीं है, जुलाई से अक्टूबर ये भी नहीं है सही, अक्टूबर से अप्रैल। अभी हाल मैंने आपको बताया कि जब बुआई होती है तो कम तापमान की आवश्यकता होती है और जब कटाई होती है तो अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा बताइए, सी ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार के प्रश्न वहां पर आपको मिलने हैं। प्याज और लहसुन निम्न में से वनस्पति के किस परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। लिलिएसी परिवार, अभी मैंने आपको बताया कि लिलिएसी परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं प्याज और लहसुन। आइए छठवां प्रश्न है आपका, झूमिंग खेती प्रमुख रूप से भारत के किस राज्य में की जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा। तो मैंने आपको अभी बताया मेघालय में की जाती है झूमिंग फार्मिंग। तो आपका सही उत्तर यहां पर क्या होगा बताइए, मेघालय होगा। सातवां प्रश्न है आपका, मृदा पीएच के आधार पर फसलों के प्रमुख प्रकार होते हैं। मृदा पीएच के आधार पर फसलों के दो ही प्रमुख प्रकार होते हैं, ऊसर और अम्लीय। अभी मैंने आपको बताया कि मृदा पीएच के आधार पर फसलों के दो प्रकार होते हैं, एक तो ऊसर प्रकार की फसल और एक अम्लीय प्रकार की फसल। राई और आलू अम्लीय प्रकार की फसलों में शामिल है, याद रखिएगा, मैंने क्लियर किया है आपको। आठवां, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है, अभी हाल हम लोगों ने इस चीज को स्पष्ट किया है और पूरी क्रांतियां स्पष्ट की है। वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित क्रिया को किस से संबंधित किया जाता है। एपिकल्चर, सिल्विकल्चर, मोरिकल्चर, पामोलॉजी। गलत, सिल्विकल्चर बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्लियर किया कि जो सिल्विकल्चर है आपका वो किससे संबंधित है बताइए। हाँ, सिल्विकल्चर है जो आपका वो सिल्विकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। दसवां प्रश्न है आपका और अंतिम प्रश्न है यहां पर, किसी भूमि पर एक वर्ष में जितनी फसलें उगाई जाती हैं वह उस भूमि की सस्य गहनता कहलाती है। एक वर्ष में एक भूमि पर जितनी फसलें उगाई जाती हैं, देखिए मैं इसके बारे में डिस्कस करना आपसे भूल गया, ध्यान रखिएगा, एक भूमि पर एक वर्ष में जितनी फसलें उगाई जाती हैं उसको उस फसल की सस्य गहनता कहते हैं, और ऐसे सूचकांक जिसको इसमें मापा जाता है उसको उसका सस्य गहनता सूचकांक कहते हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा बताइए, सी हो जाएगा, सस्य गहनता। तो ये आज का सेशन था, आज का सेशन कैसा लगा आप हमें बताइएगा। आज हम पशुपालन पर बात नहीं कर पाए क्योंकि कृषि से संबंधित आंकड़े बहुत थे। तो जल्द ही कल या परसों में एक और जबरदस्त वीडियो के साथ
पशुपालन मत्स्य पालन से संबंधित जो भी प्रमुख और कम आंकड़े हैं जो आपके लिए जरूरी है उन पर बात करेंगे। मैंने जैसे कि शुरुआत में बताया कि संस्थान में लेखकाल के बैच में अनवरत प्रवेश प्रक्रिया जारी है, आप प्रवेश ले लीजिए। सभी एनर्जिक टीचर्स की टीम आपके साथ इसी प्रकार पूरे 90 दिन खड़ी रहेगी। हाँ, हिंदी की कक्षाएं नहीं हो पा रही है, पंडित अमरेश भट्ट जो हिंदी के बहुत अच्छे टीचर है उनकी आरओ एआरओ की कक्षाएं आप इसी चैनल पर देख सकते हैं, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर पड़ी हुई है, वही पंडित अमरेश भट्ट आपको हिंदी पढ़ाएंगे। क्योंकि इस समय लॉकडाउन की स्थिति है और वह गोरखपुर में फंसे हुए हैं अपने घर में, वहां से यहां तक नहीं आ सकते इन परिस्थितियों में। अगले 2-3 दिनों में हम लोगों से जुड़ जाएंगे और वो भी बहुत योग्य काबिल और मेहनती टीचर है, मजा आ जाएगा आपको उनसे हिंदी पढ़ने में। बाकी क्रमशः आप सभी लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित नीचे व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पर एंट्री लेखपाल लिखकर भेज दीजिए या नीचे जो नंबर चल रहा है उन नंबर्स पर कॉल कर लीजिए। 5 तारीख से हम लोग इस सफलता की अनवरत यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रेम स्नेह और विश्वास के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बने रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।